अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर टू ग्लोब्स एंड ग्लोब द अर्थ मॉडल पढ़ा था इसमें मैंने आपको ग्लोब का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको लोकेशन रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड लैटिट्यूड्स और, और इम्पोर्टेंस ऑफ लैटीट्यूड्स के बारे में बताया था ठीक है और इसमें मैंने आपको थ्री जोन्स भी पढ़ाए थे थर्मल जोन्स जिन्हें होते हैं हमारे टॉरिड जोन टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन नाउ वी विल रीड अबाउट द लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन रनिंग वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरी यानी कि लॉन्गीट्यूड्स जो होती है इमेजनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं और लॉन्गिट्यूड जो हैं दीज आर आल्सो नॉन एज द मेरिडियंस इन ऑल दीज आर द 360 सिक्स जो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस होती हैं वो 360 होती हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मेजर इन डिग्रीज ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड द प्राइम मेरिडियन Is a center longitude which divides the earth into two vertical halves, eastern hemisphere and the western hemisphere. Because of equal length, it is difficult to number the meridians. Hence, it has been de decided that the count should be from Greenwich in England. The prime meridian is therefore also called the Greenwich meridian. Jo prime meridian, hota hai, which is also called the Greenwich meridian. जीरोन दिज आर वन एट्टी मैरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द प्राइम मैरिडियन एंड एट्टी ऑन इट्स वेस्ट यानी की इस तरीके से ये कितनी हो जाती है यू कैन सी देयर ऑल्सो इन डायग्राम द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज वन ट्रिपल वन पॉइंट थर्टी टू किलोमीटर एट द पोल्स डिस्टेंस इज जीरो पोल्स पर जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों जीरो किलोमीटर दिस इज बिकॉज फ्रॉम द इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स कीप डिक्रीजिंग टिल दे मर्ज एट दोल्स राइट इसमें यह क्यों होता है बिकॉज फ्रॉम द इक्वेटर दिस डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स कीप डिक्रीजिंग डिस्टेंस और लॉन्गिट्यूड है वो कीप ड्रीजिंग टिल दे मज एट दोल जब तक वो पोल्स पे जाके एक साथ मिलती है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है ऑल लॉन्गिट्यूड इंटर द इक्वेटर एट राइट एंगल जो ये लॉन्गिट्यूड होता है दैट इज इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट द राइट एंगल वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब इफ वी नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ना मेजरिंग टाइम मेजरिंग टाइम क्या होता है देखिए फोर एज इज टाइम हैज बिन मेजर बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्का वेन द सन इज राइट ओवर हेडेड इट इज नून यह सबको पता है जैसे सन ऊपर की तरफ होता है सीधा पड़ता है तो क्या होता है नून होती है एज द अर्थ रोट इज द अपॉइंट पोजिशन टू द सन चेंजेज इट शाइन ओवरहेड ऑन ईच इन डिफरेंट टाइम्स दे आर फॉर प्लेस ऑन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हैव नून एट डिफरेंट टाइम्स ठीक है इसीलिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो लॉन्गिट्यूड है ऑल द प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरीडन ऑफ लॉन्गिट्यूड विल हैव दाइम द टाइम कैन बी मेजर इन द फॉलोइंग मैनर जो टाइम अब देखिए फॉलोइंग मैनर्स में हम मेजर करते हैं देखिए अर्थ रोटेट्स थ्री सिक्सटी डिग्री अर्थ जो रोटेट करती है वो थ्री सिक्सटी डिग्री पे रोटेट करती है इन ट्वेंटी फोर आवर्स और वन डिग्री इन फोर मिनट्स यानी कि जो अर्थ है बेटा वो थ्री सिक्सटी डिग्री पे रोटेट करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में और एल्स वी कैन से वन डिग्री इन फोर मिनट्स राइट इफ इट इज अब ध्यान से इफ इट इज ट्रीन विच दर्टी डिग्री ईस्ट और मिनट टू आवर्स अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम टू पी एम एट थर्टी डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीन विच द टाइम विल बी बिहाइंड टू आवर्स दो घंटे पीछे हो गए तो इट विल बी टेन ए एम राइट नाउ रिलेशन टू जी एम टी हैव यू एवर हैड एन एक्सपीरियंस वेन यू कॉल योर फ्रेंड्स और रिलेटिव ऑन ए संडे मॉर्निंग एट टेन ए एम फ्रॉम इंडिया एंड डिस्कवर दैट योर फ्रेंड वॉज स्लीपिंग ऑन अ सैटरडे नाइट इन टोरेंटो वेर इट वॉज इलेवन थर्टी पी एम यू माइट हैव नेक्स्ट कॉल योर कजन इन ऑकलैंड बट ही वॉज एट पार्क प्लेइंग विद द फ्रेंड्स एट इट वॉज फाइव थर्टी पी एम इन द इवनिंग यहाँ पे आपको तो एक्जाम्पल दिए हैं लेटस्ट पोज की आप कहाँ पे बैठे टोरेंटो में वहाँ पे साढ़े ग्यारह हो रहे हैं और आप अपने संडे मॉर्निंग को अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं वहाँ पे टेन ए एम होते हैं एज वेल एज आप फिर ऑकलैंड में कॉल करते हैं वहाँ पे फाइव थर्टी पी एम हो रहे होते हैं तो ये क्या है कि एक ये मीजरिंग टाइम है ये ग्रीनविच की वजह से जो है अर्थ जो हमारी रोटेट करती है मीजरिंग टाइम है उस वजह से हमारा ऐसा होता है एज द अर्थ रोटेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दो प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच meridian time gmt gmt means greenwich meridian time and those to the west will be behind gmt local time kya hota hai? all places along a particular longitude have the same time this is called the local time of the meridian it will be 12 noon at all places on a green given longitude when the sun is overheaded now standard time and time zones the earth rotates from west to east and complete one full circle or 360 of law इन ट्वेंटी फोर आवर्स जैसा कि मैंने आपको यहां पे भी पढ़ाया था सेम हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं द टाइम डिफरेंसिस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज फोर मिनट जो टाइम जो डिफरेंसेस होता है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना होता है फोर मिनट्स कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू हैड टू चेंज द टाइम ऑन योर वॉच एवरी टाइम यू ट्रेवल वन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड दर वुड बी अटर कन्फ्यूजन इफ यू एमबार्क ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी राइट ये बार 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 आप चेंज करोगे तो इट विल बी गिव द डिफिकल्टी दिन द लेट वन एट सेवन जीरो एस सर एंड फॉर फ्लैमिंग डिजाइन अ प्लान फॉर ए वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम विच इज वेरी मच द सेम एज द वन वी हैव नाउ देखिए स्टैंडर्ड टाइम किसने डिस्कवर किया था डिजाइन किया था सर एंड फॉर फ्लैमिंग ने फॉर एवरी फिफ्टीन डिग्री ऑफ लैप्टीट्यूड अभी हमने वन डिग्री का पढ़ा था अब यहाँ पे हम फिफ्टीन डिग्री ऑफ ऑफिट्यूड लॉन्गिट्यूड वी हैव वन टाइम जोन ठीक है नाउ देर आर थ्री सिक्सटी ऑफ लॉन्गिट्यूड सो वी हैव टाइम्स इन द वर्ड ठीक है यानी कि थ्री सिक्सटी में आपको बताती हूँ ट्वेंटी फोर कैसे आया थ्री सिक्सटी से क्या किया डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको करने के लिए इक्वल टू ये आ जाएगा ठीक है बेटा स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम दैट द रेजिडेंस ऑफ ए टाइम जोन और ए कंट्री फॉलो इट इज द लोकल टाइम ऑफ द सेंटर ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन चूजन बाय द डेट कंट्री ठीक है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो रेजिडेंस ऑफ द टाइम जोन होता है और कंट्री द्वारा फॉलो किया हो गया होता है द स्टैंडर्ड टाइम जोन ओफन फोलो बाउंड्रीज दर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड यानी कि जो ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है पोलिटिकल बाउंड्रीज यहाइट इन इंडिया द लोकल टाइम ऑफ द एटी टू डिग्री हाफ मैरिडियन हाफ इन सिलेक्टेड स्टैंडर्ड टाइम देखिए जो इंडिया के लिए जो सिलेक्ट किया गया है वो इतना किया गया दिस इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम Or IST, the half degree east longitude passes through Allahabad which lies roughly at the center of the country. Example, Rashid living in Hyderabad will watch the Winston match at 5.50 pm where it is a starting 1.20-1.21 pm in London. Some countries span across multiple time zones. Russia span across 11 time zones but has grouped them into 8 standard time zones. देखिए जो रशिया है उसके पास कितने टाइम होते हैं इलेवन चाइना है सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन कैन यू गेस वाई नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू रेफर टू द वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड इट इज बिकॉज दन एटी लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द बोथ दन एटी डिग्री ईस्ट एंड वन एटी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इट रंस थ्रू द पैसिफिक ओशन इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है बिकॉज वेन द जो लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द बोथ द लाइन वन एट्टी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडिफिकट रन्स द पैसिफिक इट द पैसिफिक ओशन एंड कॉल द इंटरनेशनल डेट लाइन हावर इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन लेट अस सी हाउ दिस लाइन वर्क्स व्हेन यू ट्रेवल ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन यू नीड टू सब्रैक्ट अ डे देखिए जब आप ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन ट्रैवल करते हैं तो आपने क्या करना है एक दिन को सब्ट्रैक्ट करना है सिमिलरली यू गेन वन डे वेन यू ट्रेवल वेस्ट अक्रॉस द वन एट्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया यानी कि जब आप ईस्ट की तरफ ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन पर ट्रेवल करते तो आपको वन डे सब्ट्रैक्ट करना है और जब आप वेस्ट पे ट्रैवल करते तो 180 डिग्री आपको क्या करना है गेन करना है वन डे आपको गेन करना है ठीक है दिस इज द इंटरनेशनल डे लाइन ठीक है बेटा ये चैप्टर है आपका नटशल में ये आप सारे पढ़ लेंगे ये ग्लॉसरी है ये हम अपनी क्लास में करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें ओके बेटा नाउ थैंक यू